So, hey guys, welcome to another new video of Random 1 YouTube channel. So let's go ahead and look into this today. So the subject name is Python Programming for S5BS at Mumbai University. Semester is 3, practical number is 4A. Question is write a program that takes 2 lists and returns true if they have at least one common member. So what we will do is we will take two lists and compare both the lists And if we found a common element or common member, we will print out true. So let's go ahead to the editor now.

तो उसके बाद जो है हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे अगर काउंट जीरो से ज्यादा रहा जो कि अगर कॉमन एलिमेंट्स रहा तो काउंट बढ़ेगा अगर जीरो से ज्यादा रहा तो हम प्रिंट ट्रू कर देंगे तो चलिए इसके बाद जो है मैं एक फॉर लूप यूज कर लेता तो फॉर आई इन एलवन इसमें क्या होगा कि एल वन का जो भी वैल्यूज है वो आई में चला जाएगा फिर इसके बाद जो है हम फॉर जे इन एल्टू करेंगे तो इससे क्या होगा कि जे में जो है एल्टू का वैल्यूज चला जाएगा इसके बाद जो है हम इफ कंडीशन यूज करेंगे इफ जे इक्वल इक्वल टू आई तो इसमें जो है वैल्यूज चेक करेंगे कि जे का जो वैल्यूज है वो आई के अंदर प्रेजेंट है क्या इसके जो अगर प्रेजेंट रहा तो हम जो है काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे काउंट इक्वल टू तो काउंट प्लस वन तो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू बढ़ जाएगा काउंट का इसके बाद जो है हम लूप के बाहर आ जाएंगे और इफ कंडीशन यूज करेंगे चेक करने के लिए इफ काउंट इज ग्रेटर देन जीरो अगर ग्रेटर देन जीरो रहा तो हम प्रिंट करेंगे ट्रू या फिर एल्स पार्ट में जो है प्रिंट करेंगे हम फॉल्स अगर जीरो से ज्यादा नहीं रहा तो तो कैस चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कोई एयर से ही नहीं इस प्रोग्राम में तो कैसे जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो है बिना कोई एरर का आउटपुट आ चुका है और हमें जो है ट्रू रिटर्न हुआ है क्योंकि हमारे लिस्ट में जो है कॉमन वैल्यूज थे वन फोर और सेवन क्योंकि एल टू में और एल वन में ये कॉमन एलिमेंट्स है इसलिए जो है हमें ट्रू प्रिंट हुआ है तो चलिए कैसे एक बार मैं आपको फॉल्स भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ तो कैसे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एल्टो में सारे वैल्यूज चेंज कर दिए है और अभी एल्टो और एल में वैल्यू कॉमन नहीं है तो इसलिए हमारा काउंट जीरो ही रहेगा और हमें जो है एल्स पार्ट जो है प्रिंट हो चुका है फॉल्स करके तो कैसे ये तो प्रैक्टिकल फोर है पाइथन का और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल फोर बी भी, भी कर देंगे इसी वीडियो में

तो इस यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज दे दिया है एलवन के अंदर इसके बाद जो हम एक मेथड यूज करेंगे जो कि इनबिल्ट मेथड है लिस्ट के लिए वो है डॉट रिमूव करके हमारा एक मेथड होता है तो उससे जो है हम रिमूव करेंगे एलिमेंट्स को तो वो कैसे लिखते हैं कि एलवन जो हमारा लिस्ट होगा डॉट रिमूव करके एक हमारा इनबिल्ट मेथड है लिस्ट के अंदर उसके अंदर जो है एलवन का पोजिशन देंगे एलवन में जो पोजीशन पे हमें निकालना है तो जीरो पोजिशन पर जो भी वैल्यू रहेगा वो रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे जो है अभी वन रिमूव हो जाएगा इसके बाद जो है सिमिलर वे में हम सेकंड भी रिमूव करेंगे फोर्थ भी रिमूव करेंगे और फिफ्थ भी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो है मैंने सब रिमूव स्टेटमेंट लिख है और इसी के में बाद में मैंने ये भी लिखा है कि रिमूव करने का जो हमारा आउटपुट जो होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो गैस इसके बाद जो है हम प्रिंट करेंगे एलि को क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे सारे एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं तो चलिए गश मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कोई एयर सह इस प्रोग्राम में तो कैसे जैसे कि आप देख सकते हैं जीरो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन के एलिमेंट्स निकाल देने के बाद हमें जो है आउटपुट आता है टू थ्री फाइव सिक्स एट तो गैस ये था प्रैक्टिकल फोर बी पाइथन का तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल फोर सी भी कर लेते हैं इस वीडियो में सो कैस नाउ द प्रैक्टिकल नंबर इज सी फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग एंड क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्लोन और कॉपी लिस्ट सो वी विल बी हैविंग वन लिस्ट एंड वी विल बी कॉपिंग दो एलिमेंट्स टू एल टू सो लेट्स गो एट टू द एडिटर नाउ तो तब हम लोग जो है एडियटम आ चुके हैं और यहाँ पे जो है एल करके एक मैंने लिस्ट क्रिएट कर लिया है इसके अंदर जो है मैं वैल्यूज दे देता हूँ तो मैंने यहाँ पे जो है वैल्यूज भी दे दिया है इसका जो है हम एल टू करके एक यूज करेंगे वेरिएबल जिसमें जो है हम आ, लिस्ट वैल्यू स्टोर करेंगे और एक लिस्ट होगा हमारा एल टू इसके लिए जो है हम एल वन डॉट कॉपी करके एक मेथड यूज करेंगे कॉपी तो मेथड जो है एक इनबिल्ट मेथड है लिस्ट के अंदर तो वो जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वैल्यूज कॉपी करने के लिए एल टू के अंदर इसके जो हम प्रिंट एल टू कर लेंगे कि चेक करने के लिए कि एल टू के अंदर वैल्यूज चले गए कि नहीं तो चलिए प्रोग्राम रन करके कर कर देखते हैं कोई एयरस है कि नहीं इस प्रोग्राम में तो कैसे जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो है बिना कैयर का आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे जो है एल वन के जितने भी वैल्यूज थे एल टू में चले गए हैं और एल टू जो है मैंने प्रिंट कर दिया तो है तो कैसे ये था प्रैक्टिकल फोर सी तो इस वीडियो में जो है मैंने सारे प्रैक्टिकल फोर ए बी सी कवर कर लिए है पाइथन के अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन आती रही और इस कोड का जो है मैं सारे कोड का एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप जो है वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते